नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। आज लालगंज में, वैशाली जिले के लालगंज में स्मार्ट मीटर के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। लालगंज में पिछले कुछ दिनों से स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। घर घर में जो लोग बिजली का उपभोग करते हैं उनके पुराने मीटर को हटाकर अब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। खासकर पहले ये शुरुआत दुकानों से हुई थी, जो कमर्शियल बिल्डिंग से, जो व्यापारिक, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से अपना काम करते हैं उनके यहाँ पहले लगाया गया। अब घरों में भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इस दौरान लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ फैल गई। भ्रांतियाँ मतलब कि स्मार्ट मीटर कुछ नया है तो इसका ये काम कैसे करेगा, क्या इसमें कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, अगर हम रिचार्ज करवाते हैं उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो क्या होगा, कितने का मिनिमम रिचार्ज करवाना होगा, ऐसे कई सारे सवाल थे जो जनता को घेर के रखे हुए थे और लोग इस स्मार्ट मीटर को लगवाने से कतरा रहे थे। आज SDO आलोक कुमार और JE दीपक कुमार के साथ बिजली विभाग के तमाम कर्मी खुद शहर में उतरे हैं, जगह जगह गए हैं, स्मार्ट मीटर को लगवाया उन्होंने और लोगों की भ्रांतियों का जवाब दिया, साथ में पैम्पलेट भी बांटा है। आज हम खुद जब वो पश्चिम ओर, लालगंज के पश्चिम ओर में मीटर लगा रहे थे तब वहाँ पहुँचे और हमने खुद वहाँ के जो SDO थे आलोक कुमार उनसे बात की और ये पूछा कि आखिर ये भ्रांतियाँ उसका क्या समाधान है, तो उन्होंने इस पर विस्तार से बताया है। आइए जानते हैं खुद कि आलोक कुमार क्या कह रहे हैं जो SDO है लालगंज। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। बिहार राज्य के स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL ने बिहार में 23.4 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का जिम्मा उठाया है। वैशाली जिले के लालगंज में पिछले कुछ दिनों से यह मुहिम जोर शोर से चल रहा है, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लगवाने का काम जारी है। इस बीच खुद बिजली विभाग के SDO आलोक कुमार, कनीय अभियंता दीपक कुमार, वरीय बिजली मिस्त्री गरीबनाथ कुमार सहित अन्य बिजली विभाग के कर्मियों के साथ स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ संदेह की सुइयां भी खड़ी हो गई है। लोगों में अफवाह फैली है कि स्मार्ट मीटर लगवाने से उनका घाटा हो सकता है। कई अफवाहें एक साथ फैली है जिसका कोई ठोस जवाब लोगों को नहीं मिल पा रहा। बुधवार को स्मार्ट मीटर के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए बिजली विभाग के SDO आलोक कुमार एवं कनीय अभियंता दीपक कुमार खुद घर घर पहुंचे। उन्होंने टीम के साथ लोगों को यह जागरूकता फैलाने की कोशिश की कि जो भ्रांतियां हैं उसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने जनता के सवालों के जवाब देते हुए समझाने की कोशिश की है और कहा है कि उससे कोई डरने की बात नहीं है। सर, यहाँ पे मीटर लग रहा है, अभी लालगंज में स्मार्ट मीटर की शुरुआत की गई है, आप घर घर घूम के जागरूकता फैला रहे हैं, क्या जागरूकता फैला रहे हैं, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि जागरूकता फैलानी पड़ रही है? देखिए, प्रीपेड मीटर अभी लालगंज में लगना स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। हम लोगों को प्रीपेड मीटर के बारे में जो भ्रांति है उसको दूर कर रहे हैं और इसके फ़ायदे के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि प्रीपेड मीटर लगाइए, आपके फ़ायदे के लिए है। और उसी के संबंध में हम लोगों को मीटर लगाने के साथ साथ एक पंपलेट भी दे रहे हैं और उसके साथ बता रहे हैं हम लोग। कुछ भ्रांतियाँ हमारी नज़र में भी आई थी, कुछ आपने भी बताया ही है। पहली भ्रांति ये है कि इस मीटर को लगाने के बाद जो शिकायतें हैं कि रिचार्ज का प्रॉब्लम है, कितने का रिचार्ज है, मिनिमम लोग कह रहे हैं कि 3000 का रिचार्ज करवा सकते हैं, ये सब अफवाह है, क्या नहीं है? मिनिमम रिचार्ज करने का कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कोई भी अमाउंट रिचार्ज करा सकते हैं, कोई भी मतलब 10, 20, 50, हाँ कुछ भी रिचार्ज करा सकते हैं, वैसा कोई लिमिटेशंस नहीं। और जो एक और कहा था कि जो पहले के फ़ोन में होता था कि फ़ोन का रिचार्ज कराएं, 100 का रिचार्ज कराएं, एकदम से पैसा काट लिया, अब उसके लिए कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते रहो दौड़ रहा है आदमी, इसमें ऐसा कुछ होगा तो क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि आपके यहाँ मीटर लगा है, मीटर में वो काउंट हो रहा है, आपने कितने की बिजली जलाई उसी के अनुसार आपका कटेगा। और आपके चूँकि ऐप दिया हुआ है, इसलिए आप अपने खपत की जानकारी या किसी तरह की जानकारी मोबाइल में भी देख सकते हैं, और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो हमारे ऑफिस में भी आकर के संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अलग से व्यवस्था करवा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम लोग फिलहाल प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए अलग से वहाँ काउंटर खुलवा रहे हैं, जहाँ पर आकर के उपभोक्ता समझ सकता है, अपनी समस्याओं को दूर करा सकता है। मीटर लगाने का कोई चार्ज लग रहा है? कोई अमाउंट किसी को देना नहीं है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं। बिजली कट के बारे में बता रहे थे कि अगर मान लीजिए रिचार्ज खत्म हो जाता है, जितना यूनिट का रिचार्ज करवाया वो खत्म हो गया, लोगों में एक भ्रांति और भी है कि रात को पैसा खत्म तो बिजली खत्म, वैसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ डे टाइम में जब 9:30 बजे से लेकर के अप्रॉक्स 3 बजे तक ही आपका बिजली कटेगा, अगर बैलेंस निगेटिव में है तो। उसके बाद अगर निगेटिव में आता है तो वो नेक्स्ट डे कटेगा। नेक्स्ट डे मतलब कि अगर रात 11 बजे खत्म हो गई? हाँ 11, तो उस दिन बिजली नहीं कटेगी, वो माइनस में बैलेंस चला जाएगा और अगले दिन वो फिर 9:30 बजे के बाद बिजली, अगर रिचार्ज आपने नहीं करा तो कट सकता है। एक सवाल और है कि जो उधारी बाकी का जो चल रहा है सिस्टम, कि पहले के लोग पेंडिंग है तो उसका क्या सिस्टम? बकाया को ये प्रीपेड मोड में क्या कर रहा है कि 300 दिनों में डिवाइड कर दे रहा है और पर डे आपके जो आएगा वो जमा करने का अमाउंट, वो आपके बिल से पर डे और प्लस उस दिन का बिजली का खपत का पैसा दोनों कटेगा। जरा डिटेल से बताइए इसको।
जैसे किसी उपभोक्ता के यहाँ 2000 बकाया है, उसको हमने 300 दिनों में डिवाइड कर लिया, एक दिन का आया 7 रुपये, तो पर डे आपके बैलेंस से 7 रुपये कटेगा बकाया के मद में, बाकी जो उसके अलावा जो आप यूनिट खर्च किए हैं उसका पैसा कटेगा उसमें। तो इसमें जो पहले फाइन लगता था, जो एक सूद कहते हैं उसको, इंटरेस्ट लगता था, वो लगने का सिस्टम है कि खत्म? नहीं, प्रीपेड मोड में, चूंकि प्रीपेड मोड में आ गए हैं तो इसलिए हम जो ऑलरेडी 5 रुपये दे के रखे हैं अकाउंट में, तो उसका सूद नहीं लगे, वो जा रहा है। ठीक है, लोगों के प्रति और क्या जागरूकता फैलानी चाह रहे हैं, मतलब और कुछ एक्स्ट्रा जो लोग हम लोगों को प्रीपेड के फायदे बता रहे हैं कि प्रीपेड लगाने से लोगों को परेशानी होगी, ऑफिस का झंझट से मुक्ति, ऑफिस नहीं जाना होगा। दूसरा चीज़, आप अपने बिजली की बचत कर सकते हैं, और सबसे बड़ा फायदा है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते। मीटर खराब होता है तब क्या करना होगा? मीटर खराब होगा तो वो हम लोगों को भी मालूम चल जाएगा, आप ऑफिस में भी दे सकते हैं सूचना, उसके बाद मीटर जो कंपनी लगा रही है वो आके बदल देगी आपके यहाँ। अगर दोबारा रिचार्ज करते हैं हम रात को 11 बजे, अगर रिचार्ज किया, वैसे आप मना कर रहे हैं कि दे टाइम है रिचार्ज करने के लिए, फिर भी अगर मान लीजिए दिन में शाम में रिचार्ज किया, तो इन्फॉर्म करना है ऑफिस में कि अपने आप लाइन चालू हो जाए? कोई इन्फॉर्मेशन का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप रिचार्ज करेंगे कुछ देर बाद, हाफ एन आवर मैक्सिमम टाइम लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका मीटर कनेक्ट हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, बरसात का मौसम चल रहा है, लालगंज में ये शिकायत है लोगों की, सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि जब ठनका भी ठनकता है तो बिजली चली जाती है, ये डर है कि क्या है, क्या कमी कहाँ? नहीं, देखिए बरसात के दिनों में वाकई में थोड़ी सी बिजली सप्लाई में, आप बिजली आपूर्ति में परेशानी होती है, अभी तो हो, हाँ बारिश तो होना ही, ठनका बिजली गायब, ठनका ठनकने से बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होता, कुछ कारण होता है तभी, अभी तो हम लोग उस पर भी देखेंगे कि क्या यहाँ का आपूर्ति का सिस्टम है, और उसके अनुसार जो भी होगा हम लोग आवश्यक सुधार करेंगे। मीटर रीडिंग का जो लोग करने आते थे मीटर रीडिंग, उनके लिए लोगों की शिकायत है कि वो टाइम पे आते नहीं हैं, या फिर बिना चेक के ही बिल आ जाता है, तो उस पर क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो प्रीपेड में यही है कि हमको रीडर और किसी का वेट नहीं करना है, आप जो बिजली खपत कर रहे हैं यूनिट बेस्ड आपको बिल मिलेगा। पहले था कि रीडर अगर रीडिंग नहीं किया या फिर समय से नहीं आया तो वो आपको यूनिट बेस्ड बिल नहीं मिलता था, वो मनगढ़ंत बिल कभी कभी दे दिया, अब है कि यूनिट बेस्ड ही बिल मिलेगा, इसमें किसी तरह की गलती की शिकायत नहीं रही। मीटर डैमेज होने पर कुछ कार्रवाई भी है? अगर आपने जानबूझकर के मीटर डैमेज किया है तो इस मीटर में भी है, कि तो पोस्टपेड में भी है कि अगर आपने जानबूझकर, आपका दोष साबित होता है कि आप फोड़ दिए या तोड़ दिए, तो आप पर कार्रवाई होगी उस मीटर में। किसी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मीटर टूट जाए तो उसका क्या? पैसा कोई नहीं है, जानबूझ के अगर आपने कुछ किया हो, आपकी मंशा गलत है तो कार्रवाई होगी, मंशा गलत नहीं है तो कोई कार्रवाई नहीं।